कुछ सोशल मीडिया कुछ चैनलों द्वारा डीएम साहब से अफजाल जी का नोक झोंक हो गया था, उस माहौल को लेकर के, उस भीड़ को लेकर के, वह इतना भीड़ बढ़ गया था कि महोदया डीएम साहब जी कह रहे थे कि आप इतने लोग को अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन इतना ज्यादा भीड़ था कि लोग जाने में किसी न किसी तरह से चले गए, उसमें नोक झोंक हुआ था। अब बताइए, ये लोग कुछ कह रहे हैं कि भाई मुख्तार अंसारी जी या उनके पूरे परिवार को लेकर कहा जा रहा है कि वे माफिया थे, दबंग थे, गैंगस्टर, उन पे बहुत गैंगस्टर लादा गया था, तो आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले मुख्तार अंसारी के बारे में बता देना चाह रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी वो माफिया नहीं थे, वो गरीबों के मसीहा थे, क्योंकि उनके पास जो भी अपना फरियाद लेकर जाता था गरीब आदमी, उनका सुनते थे, उनका वो झोली भरते थे। आज वो हम लोग के बीच नहीं है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग दुर्भाग्य है कि घर न रहकर कहीं दूर थे, इसलिए उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए, वो तो हमारी दुर्भाग्य है। लेकिन जो आदमी कह रहा है कि माफिया है, ऐसी बात नहीं है, वो माफिया नहीं थे। अरे अभी अभी उनके मरने का जब सूचना मिला उनको, कृष्णानंद राय के परिवार को, तो उन्होंने कहा कि आज मेरा होली का दिन है, यानी दीपावली का दिन आज है, जब वह मरे थे तब। देखिए, जो भी है, अपने एक प्रतिबंधी को जब जान जाता है कि हमारा प्रतिबंधी मारा गया या मर गया, तो उसके दिल में खुशियां होती है। लेकिन देखिए, वहाँ कृष्णा राय की पत्नी को या उनके पुत्र को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि देखिए वो पहले ही वो लोग क्रिमिनल थे, वो जो कृष्णा राय थे वो एक कौन से क्रिमिनल, वो क्रिमिनल देखिए पहले कौन थे क्रिमिनल, वो कृष्णा राय जी जो पहले घटना है कि वहाँ जो दलित बस्ती थी उनके गांव के बगल में, उसको उसने फुकवा डाला था, उसी को देखते हुए मुख्तार अंसारी जो थे उन्होंने गरीबों का हेल्प करने के लिए उसे अत्याचारी का वो निधन किए। ऐसा नहीं था कि मुख्तार अंसारी उनको एक साधारण आदमी जान करके मारे, ऐसा नहीं है, नहीं। तो वो आज उनके न रहने पर उनके जो पत्नी और जो बेटे होली जो दीपावली मनाने के काम कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, कैसे सहयोग करते तो मुख्तार अंसारी जी गरीबों को और दलितों को, जितने भी असहाय, कैसे सहायता करते थे? जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरी बेटी की शादी हो गई, पड़ गई, मेरे पास सहायता कोई पैसा नहीं था, तो वहाँ जा कर के उनके सामने कहा जाता था कि सर मेरी बेटी की शादी है, उन्होंने कम से कम, मैं तो देखा तो नहीं हूँ, सुना हूँ, और एक हमारे गांव के बगल में गाढ़ा गांव है, विजय राजभर है, उनकी बेटी की शादी थी, उन्होंने गया था, तो उन्होंने 50,000 रुपये सहयोग किए थे, तो उनका नाम ऐसे आता है, और हम लोग जाना भी है और सुने भी हैं कि गरीब वो मसीहा। चलिए, ऐसे ऐसे उनके बैकग्राउंड को आगे लेके चलेंगे तो और कुछ रहस्य मिलेंगे और खुलासाएं होंगे। वो पहले जैसे लोग रहते हैं, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो माफियाओं में नाम लिख दिया जाता है, जैसे कृष्णा नंद राय जी की हत्या को लेकर के हुआ था, अनेकों अनेक लिस्ट जब निकाले जाएंगे तो उसमें नाम इनका आता रहा है, लेकिन जहां नाम आता रहा है वहीं लोगों की संख्या अधिक है। वो लोग भी कह रहे हैं कि ये मसीहा यानी किसी गरीब के लड़की का कन्यादान स्वयं देते थे। आपने बताया भैया कि कुछ ऐसे मरीज हैं जो ऐसे लाचार थे जो उनको नगद पैसा देकर के सहयोग करते आए हैं, अब ऐसे ऐसे लोगों से और मिलवाएंगे जो इसका पुख्ता यानी सही सटीक जवाब क्या है, माफिया है या मसीहा।